एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वादा टेस्ट में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ 3 इजी समर ड्रिंक्स और इसको मैं बना रही हूँ वाटरमेलन के साथ। बहुत ही इजी रेसिपी है, आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं। रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे जितने भी रेसिपीज आए, जितने भी वीडियोज आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वाटरमेलन जूस बनाऊंगी और इसी जूस से 3 इजी वाटरमेलन ड्रिंक्स बनाऊंगी। और उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 500 ग्राम्स वाटरमेलन, इसे मैंने चॉप कर लिया है। इसे मैं ग्राइंडर के जार में डाल दूंगी और इसमें ऐड करूंगी थोड़े से मिंट लीव्स। उसके बाद ऐड करूंगी लेमन जूस 3 बड़े चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, चीनी 2 बड़े चम्मच और लास्ट में डालूंगी थोड़े से आइस क्यूब्स। अब इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी और इसका जूस बना लूंगी। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चीनी लिया है। अगर वाटरमेलन बहुत ही ज़्यादा मीठा है तो चीनी का इस्तेमाल कम करें या फिर स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आपके पसंद का कोई भी स्वीटनर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वाटरमेलन का जूस बनके तैयार है। इसे मैं एक स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लूंगी ताकि जो भी बीज है वो निकल जाए। बहुत ही इजी रेसिपी है और इस समर सीजन में आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। एक वाटरमेलन के जूस से आप 3 तरीके के समर ड्रिंक्स को आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जूस को छान लिया है और जितने भी वाटरमेलन के सीड्स थे वो अलग हो गए और हम लोग का वाटरमेलन का जूस बनके तैयार है। जो सबसे पहला ड्रिंक है जो इस वाटरमेलन के जूस से हम बनाने वाले हैं वह है वाटरमेलन कूलर। ये जो ड्रिंक है बहुत ही इजी है। आप चाहे तो वाटरमेलन के जूस को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, उसको वाटरमेलन कूलर ही कहा जाता है। लेकिन इसमें और एक इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। और इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहले ग्राइंडर के जार में 2 कप मैंने वाटरमेलन का जूस लिया है और मिल्क पाउडर 1 बड़ा चम्मच। इससे वाटरमेलन के जूस में एक मिल्की टेक्सचर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ग्राइंड कर लूंगी ताकि दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैं इसे सर्व करूंगी। उसके लिए ग्लास में थोड़ा सा आइस ले लिया है, वाटरमेलन को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लेमन स्लाइसेस, थोड़े से पुदीने के पत्ते और जो वाटरमेलन कूलर जूस हमने, जो ड्रिंक हमने तैयार करके रखा था उसको डालेंगे। और उसके ऊपर में थोड़ा सा मैं डेकोरेट करूंगी वाटरमेलन के पीसेस के साथ। इसको मैंने हार्ट शेप में काटा है और उसके ऊपर मैं डालूंगी पुदीने के पत्ते। तो तैयार है हम लोग का फर्स्ट ड्रिंक वाटरमेलन कूलर। हमारा जो सेकेंड ड्रिंक है वो है वाटरमेलन रू अफ्जा ड्रिंक। बहुत ही इजी रेसिपी है। रू अफ्जा और वाटरमेलन का जो कॉम्बिनेशन है उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसे बनाने के लिए मैंने एक ग्लास में आइस क्यूब्स ले लिए हैं, थोड़े से वाटरमेलन को मैंने चॉप कर लिया है उसको भी ले लेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे लेमन स्लाइसेस, थोड़े से मिंट लीव्स और उसके बाद ऐड करेंगे रू अफ्जा 2 बड़े चम्मच। और इसके बाद जो वाटरमेलन का जूस हमने तैयार करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। बस हम लोग का जो सेकेंड ड्रिंक है वाटरमेलन रू अफ्जा ड्रिंक तैयार है। और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी, गार्निश करूंगी वाटरमेलन के पीसेस से जिसको मैंने हार्ट शेप में काट लिया है और थोड़े से पुदीने के पत्ते। थर्ड ड्रिंक है वाटरमेलन मोहितो। उसी वाटरमेलन के जूस से हमें इसे बनाना है और इसे बनाने के लिए मैंने एक ग्लास में ले लिए हैं थोड़े से लेमन स्लाइसेस, पुदीने के पत्ते। अभी हमें क्या करना है, दोनों को थोड़ा सा क्रश कर लेना है। नींबू के छिलके में जो थोड़ा सा फ्रेशनेस होता है, जो इसका एक खुशबू होता है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए, उतना तक हमें क्रश करना है। ज़्यादा इसे क्रश नहीं करना है, जो नहीं तो मोहितो जो ड्रिंक है वो कड़वा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हमें इसे क्रश कर लेना है और उसके बाद हमें ऐड करना है थोड़े से आइस क्यूब्स, वाटरमेलन जूस जो हमने तैयार करके रखा था। लेकिन हमें ग्लास को आधा फिल करना है और उसके बाद इसमें ऐड करना है सोडा या फिर कोई भी सॉफ्ट
ड्रिंक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोडा ऐड किया है। तो तैयार है हम लोग का वाटरमेलन मोहितो। फिर से मैंने डेकोरेट किया है वाटरमेलन के पीसेस के साथ और थोड़े से मिंट लीव। तो फिर इस समर सीजन आप एंजॉय कीजिए विद दिस थ्री इजी वाटरमेलन ड्रिंक्स। आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अनदर रेसिपी।